हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार बहुत दिनों से ओल्ड वाली आरसी का इंतज़ार किया जा रहा है भाई। ओल्ड वाली आरसी कब आएगी, ऐसा काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ओल्ड वाली आरसी के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है दोस्तों, जो नई वाली आरसी है भाई, वो किसी को भी समझ में नहीं आई है। ज्यादातर लोगों ने इस बाइक को इग्नोर किया है। उनका कहना है कि इसका जो फ्रंट लुक है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अपनी जो पुरानी वाली आरसी का जो लुक था, डिजाइन था, वो लोगों को ज्यादा पसंद आया है। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है, जिसमें से एक मैं भी हूं। मुझे भी ओल्ड वाली जो आरसी वो ज्यादा बेटर अच्छी लगती है एज कंपेयर टू न्यू आरसी। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सेम डिजाइन तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कंपनी देने वाली है। सेम डिजाइन को लेकर थोड़े चांसेस कम है। हो सकता है दोस्तों जो नया वाला डिजाइन देखा गया वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को फ्रंट में बाइक में डुअल जैसे मतलब प्रोजेक्टर लाइट मिलती थी पुरानी वाली में। बट अब ये जो वापस आएगी नई वाली आरसी, उसमें आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी, जिससे बाइक का डिजाइन एंड जो लुक है वो आपको काफी अच्छा और काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। सेकेंडरी चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नई वाली आरसी में आपको नया वाला जो LCD पैनल वो तो मिला ही है, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, ओल्ड वाली जो आरसी है आपको पता है कि वो तो पुरानी की तरह लुक जो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, बट फ्रंट लुक आपको पता है थोड़ा चेंजेस होने वाला है, जिसमें आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया है। जो प्लेट रहेगी दोस्तों, उस प्लेट में भी कंपनी अपडेट कर देगी। ऑब्वियसली बात है, जो नई वाली आरसी में उन्होंने प्लेट किया जिसमें बीच का सपोर्ट पूरी तरीके से हटा दिया गया, वो सेम प्लेट भी आपको बाइक में मिलेगी। साथ में आपको बताना चाहूंगा, RC 200 में भी एक खासकर अपडेट किया जाएगा कि इसमें दोस्तों आपको फाइनली अब देखने को मिल जाएगा स्लीपर क्लच। अभी फिलहाल 200 में स्लीपर क्लच आपको देखने को नहीं मिलता, बट नए वाले अपडेट में ड्यूक 200 में भी और RC 200 में भी आपको जो स्लीपर क्लच है वो भी देखने को मिलेगा। ये भी एक अपडेट कंपनी कर सकती है। देखिए ऑब्वियसली बात है यार, जो पुरानी वाली आरसी का डिजाइन था, उसका जो लुक था ना, वो बहुत बेहतरीन था। उसके लुक के कंपेरिजन में अगर नए वाले का फ्रंट लुक देखे तो वो कहीं भी नहीं लगती उसके सामने। इवन अगर आज भी आप R15 V4 से भी नई पुरानी वाली आरसी का कंपेयर करोगे तो भी अपनी जो पुरानी वाली आरसी वो ज्यादा बेटर अच्छी लगती है एज कंपेयर टू R15 V4। यहाँ पे भी कोई बात ऐसी मतलब गलत नहीं कह सकते कि भाई जो नई वाली अपनी R15 है उससे भी ज्यादा बेटर पुरानी वाली आरसी लगती थी। लेकिन जो नई वाली आरसी पुरानी वाली आरसी लगती थी, लेकिन नई वाली जो आरसी कंपनी ने लाई है, उसका जो फ्रंट लुक है इन्होंने पूरी तरीके से खराब किया है। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी भी ये चीज समझ चुकी है और जो आरसी की सेलिंग है भाई नई वाली, वो भी बहुत ज्यादा डाउन है। कंपनी ये चीज अच्छी तरीके से समझ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फाइनली पुरानी वाली आरसी आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। एंड वही दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इस बाइक में और भी कंपनी नए नए अपडेट करेगी, नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन भी लाएगी। साथ में आप लोगों को बाइक में कुछ कस्टमाइज भी देखने को मिलेंगे, नई फीचर भी ऐड कर सकती है कंपनी, नई टेल लाइट भी दे सकती है। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें वो कंपनी इस पर काम करने वाली है। बाकी दोस्तों बात कर ले लॉन्च डेट के बारे में, तो कहना है दोस्तों ऑटोमोबाइल कंपनी का कि अभी 2024 में ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।